हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे। तो ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच है, शोल्डर की चौड़ाई 6 इंच है, आर्मोल की लंबाई 6 इंच रखी है। ब्लाउज का साइज अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। 3 इंच की चौड़ाई देते हुए गले की मार्किंग कर देंगे। नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई पर मार्क कर देते हैं। दोनों मार्क को बिल्कुल बराबर करते कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब गले की लेंथ लेंगे, तो मैं गले की लेंथ देख लीजिए 10.5 इंच रख रही हूँ। 10.5 पे मार्क करेंगे और बिल्कुल बराबर में लाइन देखिए ड्रॉ कर दिए हैं। अब गले की डिज़ाइन के लिए यहाँ से हम 4 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और 2 इंच की यहाँ से हम नीचे के साइड से देखिए माप लेते हुए साइज कर दिए हैं। अब इसकी डिज़ाइन का मार्किंग मैंने कर दिया है, अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो गले की कटिंग मैंने कर दिया है। ब्लाउज़ का कपड़ा लेंगे और इसके भी गले की सेम ऐसे ही कटिंग कर देंगे। अब दोनों कपड़ों को बिल्कुल बराबर में रखेंगे हम। अब एक सिलाई लगा के गले की हम पूरी अच्छे तरीके से स्टिचिंग कर देंगे। तो देख लीजिए, मैंने गले की पूरी कम्प्लीटली स्टिचिंग कर दिया है। अब छोटे छोटे कट लगा देंगे गले पे पूरा। तो गले पे पूरा कट लग चुका है। अब गले को हम पलट कर सीधा कर देंगे। अब हम गले पे एक सिलाई लगा के पूरी इसकी अच्छे से स्टिचिंग कर देते हैं। इससे हमारा गला बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। तो मैंने देखिए पूरा कम्प्लीटली गले की स्टिचिंग कर दिया है। ब्लाउज़ की ऑलराउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े को हम बिल्कुल बराबर में फैला लेते हैं और एक सिलाई लगा के पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग कर देंगे। तो मैंने पूरे ब्लाउज की कम्प्लीटली स्टिचिंग कर दिया। अब नीचे के साइड से हम ट्रक्स की स्टिचिंग करेंगे। अच्छे से माप लेते हुए ट्रक्स की स्टिचिंग कर दीजिएगा। इस तरीके से हम दोनों साइड से ट्रक्स को स्टिच कर देंगे। ये दोनों साइड से ट्रक्स स्टिच हो चुका है। नीचे के साइड से फैब्रिक ज्वाइन करेंगे। अब इस फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करते हैं और ब्लाउज के साथ में इसको ज्वाइंड करते हुए हम पूरा स्टिचिंग कर देंगे। तो नीचे के साइड से देखिए ब्लाउज़ मैंने पूरा कम्प्लीटली स्टिच कर दिया है। अब इसके गले पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो ब्लाउज को हम साइड करते हैं और डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये पट्टी ली। इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी है। तो दो कलर में मैंने पट्टियाँ ली हैं, दोनों की चौड़ाई 2 इंच है। अब इन दोनों को बिल्कुल बराबर में रखते हुए हम एक सिलाई लगा के पूरी इसकी साइड से स्टिचिंग करेंगे। दोनों को ज्वाइंट करते हुए देखिए स्टिचिंग कर रहे हैं, ऐसे आप भी कर दीजिएगा। तो एक मेरी एक साइड से स्टिचिंग हो चुकी है। इसके दूसरे साइड से भी बिल्कुल बराबर करते हुए पूरी स्टिचिंग कर देंगे। तो दोनों साइड से मिलने बिल्कुल अच्छे से स्टिच कर दिया है। अब इसको हम पलट कर सीधा करेंगे। तो आप वीडियो में देख लीजिए, मैं इसको पलट कर सीधा कर देती हूँ। ये मेरी पट्टी देखिए सीधी हो चुकी है। अब इसको हम बिल्कुल बराबर करते हुए हाथों से थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस करते हुए साइड से इसकी सिलाई लगा के हम स्टिचिंग करेंगे। तो आप वीडियो में देखिए कैसे स्टिचिंग कर रही हूँ, ऐसे साइड से स्टिचिंग कर दीजिएगा। इसकी एक साइड से स्टिचिंग हो चुकी है, दूसरे साइड से हम बिल्कुल बराबर करते इसकी स्टिचिंग कर देते हैं। तो मैंने बिल्कुल अच्छे से पट्टी को देखिए स्टिच कर दिया है। अब इसको हम डिज़ाइन बनाने के लिए कटिंग करेंगे।
तो आप वीडियो में देख लीजिए, मैं 2.5 इंच की लंबाई रखती हूँ। इसको बराबर में फोल्ड कर दूंगी पूरा और कट करके अलग अलग पार्ट में कर देंगे। तो मैं जैसे कट कर रही हूँ इस तरीके से कट करके अलग अलग पार्ट में कर दीजिएगा। तो मैंने पूरे पट्टी को देखिए कटिंग करके अलग अलग पार्ट में कर दिया। अब इस पट्टी को हम साइड करेंगे और मैंने देख लीजिए ये जो मैंने गले में से ये फैब्रिक कट करके निकाला था इसको ले लिए और 2 इंच की लंबाई पे हम इसकी पट्टी कटिंग करेंगे। तो देखिए 2 इंच की लंबाई पे हम इसको मार्क कर देंगे पूरा और इसी बराबर में कट कर देते हैं। अब इसी के बराबर में हम न्यूज़पेपर कटिंग करेंगे। तो मैंने ये न्यूज़पेपर ले लिया, डबल फोल्ड करके रखे हैं इसको। अब डिज़ाइन जो मैंने ये कटिंग किया इसको ले लेंगे। अब नीचे के साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, हम इसकी पूरी कटिंग कर देंगे। ऊपर के साइड से बिल्कुल बराबर में रखिएगा। तो ये मैंने न्यूज़पेपर को कट कर दिया है। अब न्यूज़पेपर के ऊपर जो पट्टियाँ हमने बनाई है उससे डिज़ाइन करेंगे। तो न्यूज़पेपर को बिल्कुल बराबर में फैला लेते हैं और ये पट्टियाँ मैंने ले ली है इसके ऊपर बिल्कुल बराबर में रखते हुए हम स्टिचिंग करेंगे। देख लीजिए मैं कैसे स्टिचिंग कर रही हूँ। इस तरीके से पूरा बराबर में इसको स्टिच कर दीजिएगा। तो ऊपर के साइड से मैंने पूरा पट्टी स्टिच कर दिया। नीचे के साइड से हम इसको देखिए डिज़ाइन करते हुए स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से आप भी इसको डिज़ाइन करते हुए स्टिचिंग कर लीजिएगा। ये डिज़ाइन बहुत ईजी आपको समझ में आ रहा होगा और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लगता है बनाने के बाद, तो आप इसे बनाइएगा ज़रूर। ये देख लीजिए मैंने इसको बिल्कुल बराबर करते हुए स्टिच कर दिया है। अब इसके ऊपर के साइड से हम पाइप ऑन करेंगे। तो इसको साइड किया, मैंने ये पट्टी ली, इसको क्रॉस में कटिंग किया क्योंकि स्ट्रेचबल है तभी। अब इसको देखिए डबल फोल्ड करके स्टिच कर रहे हैं, इसे पाइप ऑन बनाने में आसानी रहेगी। तो मैंने पाइपन की पट्टी को स्टिच कर दिया है। अब जो डिज़ाइन लिए इसको ले लिए, देख लीजिए ऊपर के साइड से इसके पट्टी को बिल्कुल बराबर करते स्टिचिंग कर देंगे। तो मेरी ये पट्टी बिल्कुल अच्छे से स्टिच हो चुकी है। अब इसको राउंड करके पाइपन बनाते हुए बिल्कुल बराबर में देखिए स्टिचिंग करके पाइपन को बना लेंगे। ये मेरा पाइपन देखिए कम्प्लीटली बन चुका है। अब लैस लेंगे और पाइपन के जस्ट बगल से हम लैस को लगाते हुए स्टिचिंग कर देंगे। तो आप वीडियो में देख लीजिए ऐसे लैस की स्टिचिंग कर दीजिएगा। ये लैस की मैंने देखिए स्टिचिंग कर दिया है पूरा डिज़ाइन पे, ऐसे कर देंगे। अब इस डिज़ाइन को ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करेंगे। तो ब्लाउज़ ले लिए हैं बिल्कुल बराबर में ब्लाउज के, देखिए मिड से हम रखते हुए इसको एक सिलाई लगा के स्टिचिंग करेंगे। तो आप देखिए मैं कैसे स्टिचिंग कर रही हूँ, ऐसे कर दीजिएगा स्टिचिंग इसकी। तो मैंने ये देखिए डिज़ाइन को कैसे स्टिच किया, ऐसे स्टिच कर दीजिएगा। अब इस डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए लैस की स्टिचिंग करेंगे गले पे। तो लैस ले लिए हैं बिल्कुल बराबर में, लैस को रखते हुए पूरे गले पे स्टिच कर देंगे। तो ये देख लीजिए मैंने लैस को बिल्कुल अच्छे तरीके से गले पे स्टिच कर दिया है। जो न्यूज़पेपर यूज़ किया था डिज़ाइन बनाने के लिए इसको हम पूरा रिमूव कर देंगे। तो मैंने न्यूज़पेपर रिमूव कर दिया है। मेरी ये सिंपल सी ब्लाउज डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा मेरे नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।